बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। ये भी एक केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है। ये देखिए, ये मई 2013 में केवल 22 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर मई 2018 में ये 300 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर सितंबर 2020 में ये 533 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और अक्टूबर 2021 में ये 942 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर अक्टूबर 2021 में इसने 1107 रुपये को भी टच किया है। तो ये देखिए, ये लगातार अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना के देने लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक साल में रिटर्न देने लग रहा है उसके बाद इसमें गिरावट हुई है, तो ये लगातार ही हर साल एक अच्छे से अच्छे रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर को देने लग रहा है। ये जो कंपनी है इसको 1984 में बनाया गया था और ये जो कंपनी है, ये जो स्पेशलिटी केमिकल होते हैं और जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो केमिकल यूज होते हैं उनको बनाने का काम करती है ये और उनको बेचने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये बेंजिंग आधारित स्पेशलिटी जो केमिकल होते हैं उनको बनाती है और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कि इस बेंजिन के ऊपर जो और अधिक केमिकल बनते हैं ये उनको बनाने का काम ये करती है। ये जो कंपनी है ये नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया, डी क्लोरोबेंजीन हो गया, फिनिलिन डायमंड्स हो गया, नाइट्रोटोलूनी हो गया और इसके समतुल्य जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और जो डाउन स्ट्रीम के जो केमिकल होते हैं ये उनको बनाने का काम ये करती है। और इस कंपनी के पास 21 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 100 से भी अधिक इसके पास प्रोडक्ट हैं और 700 से भी अधिक इसके पास घरेलू कस्टमर है यानी कि भारतीय कस्टमर हैं। और ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को 60+ से भी अधिक देशों में 400 से भी अधिक ग्राहकों को ये बेचने का काम करती है यानी कि उनको एक्सपोर्ट करती है। और इसके जो मेजर कंट्री हैं जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करती है वो USA हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया। ये दो तरह के केमिकल बनाती है, एक है स्पेशल केमिकल, इसमें ये बेंजीन हो गया, टोलूनी हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, क्लोरीन हो गया, मेथनोल हो गया, एलिलिन हो गया और सल्फर हो गया, इनको बनाने का काम ये करती है। दूसरा इसका जो फार्मास्यूटिकल केमिकल यानी कि जो फार्मास्यूटिकल जो उद्योग होते हैं उसमें उनमें जो केमिकल प्रयोग होते हैं उनको बनाने का काम ये करती है। इसमें आता है API हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गया और जेंथिन डेरिवेटिव्स हो गया, CDMO हो गया, इनको बनाने का काम ये करती है। और इनके जो केमिकल यूज होते हैं वो पॉलीमर और जो एडिटिव्स उद्योग हो गए उनमें होते हैं और जो एग्री केमिकल हो गए यानी कि जो कृषि हो गया उसमें इसके केमिकल यूज होते हैं, इंटरमीडिएट्स हो गए, डाई हो गया, पिगमेंट्स हो गया, पेंट्स हो गया, प्रिंटिंग इंक हो गया, फार्मा इंटरमीडिएट्स हो गया, फ्यूल एडिटिव्स हो गया, रबड़ केमिकल उद्योग हो गया, रेंजिन हो गया, इन उद्योगों में इसके जो केमिकल हैं वो यूज होते हैं। अगर इसके क्लाइंट्स देखें तो पॉलीमर और जो एडिटिव्स हैं उसमें BASF हो गया, सोजिट्स हो गया, सोलवे हो गया, तेंजिन हो गया, टोरे हो गया, ड्यूपोंट्स हो गया, सबिया हो गया, DIC हो गया, ये इसके क्लाइंट है। एंड पिगमेंट्स, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक एंड डाई हो गया इस सेक्टर में, हंट्समैन हो गया, क्लेरियंट्स हो गया, अतुल हो गया, आर्क्रोमा हो गया, सन केमिकल हो गया और सुदर्शन हो गया, ये इसके क्लाइंट हैं। और एग्रो इंटरमीडिएट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में बायर हो गया, सिंजेंटा हो गया, UPL हो गया, घारदा केमिकल हो गया, FMC हो गया, मक्तेसिजम हो गया, कोरोमंडल हो गया, ये इसके क्लाइंट है। 2022 में इसने अपना 89% का जो रिवेन्यू है अपने जो प्रोडक्ट हो गए उनको सेल करके किया है, 11% का जो रिवेन्यू है वो जो इसके दूसरे ऑपरेशन हो गए उनको करके किया इसने। अगर सेगमेंट वाइज देखें इसका 2022 का रिवेन्यू तो जो स्पेशलिटी केमिकल होते हैं उनसे इसने 84% का रिवेन्यू जनरेट किया है और जो फार्मास्यूटिकल उद्योग हो गए उनको अपने प्रोडक्ट बेच के यानी कि अपने केमिकल बेच के 16% का रिवेन्यू जनरेट किया है। और 2022 में इसने एक्सपोर्ट करके 44% का रिवेन्यू जनरेट किया है। इसने नॉर्थ अमेरिका से 11% का, यूरोप से 11% का, चाइना से 5% का, जापान से 3% का और जो बाकी की दुनिया उससे 11% का रिवेन्यू जनरेट किया है। 30 जनवरी 2023 को इसने अपनी इसकी जो फार्मा की जो इकाई थी उसको इसने अपनी अन्य कंपनियों से अलग कर लिया। इसने इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उससे अप्रूवल लेके आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड कंपनी को अलग कर दिया। इसने 19 नवंबर 2022 को दीपक फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। ये उसे नाइट्रिक एसिड है उससे लेगी और उसको सप्लाई करने का काम भी ये करेगी। इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 8000 करोड़ की होगी, जो कि ये एग्रीमेंट होगा 20 सालों के लिए होगा। अभी इसका जो मुख्य फोकस है
ये जो कंपनी है ये 40 से भी अधिक जो प्रोडक्ट है उनको ऐड करने के बारे में सोचने लग रही है। और जो जागड़िया है उसमें इसकी 100 से भी अधिक एकड़ भूमि में एक साइट भी डेवलप करने लग रही है ये, जिसके कि 2024 में पूरे होने की उम्मीद है। इसका जो USFDA कैपेसिटी है उसको भी ये बढ़ाने के ऊपर विचार करने लग रही है। API यूनिट होगी तारापुर में और जो इंटरमीडिएट्स यूनिट होगी वो व्यापी में विस्तार करने के बारे में ये सोच रही है। और इसकी जो एसिड यूनिट है उसको भी ये व्यापी में बढ़ाने के ऊपर विचार करने लग रही है। और इसकी झागड़िया में जो यूनिट है उसमें भी थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया हुआ है। और वापी में इसका जो NCB कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसको भी बढ़ाने के ऊपर ये विचार करने लग रही है। तो बेसिक रूप से एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, ये दो तरह के केमिकल बनाती है, एक होता है स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो केमिकल यूज होते हैं ये उनको बनाती भी है और इंडिया के बाजार में और इंडिया से बाहर इंटरनेशनल जो मार्केट होती है उसमें ये बेचने का काम ये करती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 19,929 करोड़ की है। इसका जो बाउंड इकाई है वो 867 रुपया है और जो लो है वो 482 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 129 रुपया है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.64% की है। इसका जो ROC है वो काफ़ी अच्छा 22.1% है और इसका जो ROE है वो भी काफ़ी अच्छा 27.8% का है। और इसके ऊपर डेट ऑफ इक्विटी देखोगे तो इसके ऊपर 0.59% का डेट ऑफ इक्विटी भी है। और अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 1685 करोड़ की सेल्स की है, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 1668 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम है वही जीरो है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो क्वार्टर वाइज 137 करोड़ का, 124 करोड़ का, 136 करोड़ का, 194 करोड़ का, तो यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ से ऊपर ही रहता है क्वार्टर वाइज। तो देखिए अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म परपज से भी लेते हैं तो इसका जो पिछले 10 सालों की सेल्स ग्रोथ है वो 15% की है, पिछले 10 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है, पिछले 10 सालों का CAGR 40% है, पिछले 10 सालों की रिटर्न ऑफ इक्विटी 22% की है। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी है, अभी इसके ऊपर 2767 करोड़ का कर्जा है। और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 4507 करोड़ की है। इसकी जो शेयर कैपिटल है वो भी काफ़ी अच्छी है, 181 करोड़ की है। इसका जो CWIP है वो 1392 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। अभी जो ये कंपनी सेल्स करने लग रही है वो 3981 करोड़ की जो एसेट है उसके ऊपर करने लग रही है। तो जैसे इसका जो CWIP है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। और इस कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है वो भी इसके जो ये करंट में जो प्रोजेक्ट बनने लग रहे हैं उनको बनाने के लिए लिया हुआ है। इसकी जो टोटल एसेट है वो 8641 करोड़ की है। और अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 44.7% की प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है और जो ये प्रमोटर की होल्डिंग है ये प्लेज नहीं है। और इसमें जो FII है उनकी जो होल्डिंग है वो 12.32% की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है ये। और जो DII है उनकी जो होल्डिंग है 14.74% की इसमें बनी हुई है। और जो गवर्नमेंट है उनकी जो होल्डिंग है इसमें 0.01% की इसमें बनी हुई है। ये जो गवर्नमेंट है ये जो फर्टिलाइज़र होती है ये इनसे खरीदती है। तो देखिए अभी ये 550 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं, इसकी जो सेल्स है काफ़ी अच्छी है, ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इसकी जो एसेट है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी ठीक ठाक ही है। इसके जो डिसएडवांटेज वो ये है इसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने लग रही है तो उसके लिए इस कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है, तो ज़्यादा चिंता की बात भी ये नहीं है। तो देखिए अगर आप इस स्टॉक को इसी प्राइस के ऊपर भी बाई करके अगर आप 1 से 2 सालों तक भी इसको होल्ड करेंगे तब भी आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में भी बाई करना चाहते हैं तो तब भी आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा केमिकल का एक स्टॉक है ये और ये अपने इन्वेस्टर को लगातार रिटर्न बना के देने लग रही है। और किसी भी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।